आर्यन मोटिवेशनल स्पीकर से मैं राम नारायण। दोस्तों आइए एक मोटिवेशनल कहानी सुनाते हैं। एक बार एक राज्य में जो भी राजा आता उसे 5 साल के बाद एक घने जंगल में जाना होता। जब उस राज्य में एक ऐसे राजा का आगमन हुआ जिसको पता चला कि हम 5 साल के बाद एक घने जंगल में छोड़ दिए जाएंगे, तो सबसे पहले उस घने जंगल के बारे में जानना चाहा कि वह 5 साल के बाद कहाँ छोड़ा जाएगा। जब उसको जानकारी हुई जंगल के बारे में, तो सबसे पहले अपने राज्य में उस जंगल को ही कटवा दिया। और जंगल जब कट गया तो वहाँ पर खेतीबाड़ी, बहुत सारी चीज़ें होने लगी। धीरे धीरे चल के वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी विशाल विशाल मंजिलें बननी शुरू हो गई और वहाँ एक आवासीय क्षेत्र बन गया। जब राजा का 5 साल पूरा हुआ तो वह कुछ ही दिन पहले, वो 5 साल अभी पूरा नहीं हुए थे तभी वो कहता था कि हम अब जाना चाहते हैं। लोगों ने कहा अभी 5 साल पूरा नहीं हुआ आपका, 5 साल पूरा करके तब जाइए, क्योंकि उस राजा को अब वहाँ जाने में एक उत्सुकता थी। जबकि वहाँ पर जाने के लिए पहले जब जंगल हुआ करता था तो लोग बहुत डरते थे, और 5 साल के बाद जब वो जंगल में जाते थे तो वहाँ पर जानवर उन्हें खा जाते थे। पर इस राजा को अब उत्सुकता इस बात की थी कि उन सारे जंगलों को वह कटवा दिया, वहाँ पर आवासीय मकानें बन गई और बड़ी बड़ी मंजिल इमारतें बन गई थी, और वहाँ वह जाना चाहता था। 5 साल पूरा हुआ तो वह वहाँ पर गया और आराम से जीवन व्यतीत किया, क्योंकि वह उस दौरान जब वह राजा थे तभी उन्होंने यह जान लिया था कि 5 साल बाद वहाँ पर मुझे जाना ही होगा। इसलिए उन्होंने धीरे धीरे करके अपने जो खर्चे थे कम किए और उसको इकट्ठा किया, क्योंकि बाद के जीवन में उनके लिए वो फ़ायदा करता। इसलिए जब वो 5 साल पूरा हो गया तो उन इकट्ठे पैसे से अपने जीवन यापन को अच्छे तरीके से जिए। दोस्तों इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जो भी हमारा लाइफ स्टूडेंट लाइफ है या अभी अध्ययन के दौरान जो समय है, पता है कि बाद में चल के कठिन संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। जो इस समय शिक्षा ग्रहण करने का अवसर है उसे अच्छी तरह से ग्रहण करें, क्योंकि बाद वाले जीवन में उन संघर्षों का सामना न करना पड़े। क्योंकि अच्छी शिक्षा, अच्छा संघर्ष जो भी करना है पहले कर लेंगे तो उन ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेंगे, और बाद में जो कठिन जीवन के बाद में आने वाले पल हैं उनमें आप अच्छे तरीके से जीवन को व्यतीत करेंगे। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।